सबसे पहले सर हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम राकेश पांडे है और कानपुर में मेरी पैदाइश है, शिक्षा दीक्षा भी यहीं की है और पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो सामाजिक कार्य की थी। हमारे परिवार में पिताजी कानपुर के मजदूर आंदोलन से जुड़े रहे और उस पृष्ठभूमि में होने के कारण मेरा भी लगाव झुकाव सामाजिक कार्य के प्रति रहा। तो शुरू से ही एक मन में बेचैनी थी कि समाज का जो वंचित वर्ग है उसके साथ कुछ काम किया जाए और उसके जीवन में बेहतरी लाने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं और इस तरह से करें कि अपनी भी आजीविका चले, अपना भी परिवार चले और साथ में हम उस तबके के साथ काम करें। अगला सवाल हमारा आपसे, क्या आप अपने संगठन के बारे में बताएं, उसके उद्देश्य के बारे में? श्रमिक भारती का निर्माण 1986 में किया गया था और समाज का जो वंचित वर्ग है उसकी जीवन में बेहतरी आ सके इसके लिए प्रयास करने के लिए इसका गठन किया गया था। हम लोगों ने कानपुर की गरीब बस्तियों में काम करने से शुरुआत की थी, विशेष रूप से महिलाओं के साथ काम करने की शुरुआत हुई, उनको संगठित करने को लेकर के। ये देखा गया कि बहुत छोटे छोटे पैसे की ज़रूरतों के लिए लोग महाजनों से बड़े ब्याज दर पर पैसे लेते हैं, तो हम लोगों ने छोटे छोटे महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया। फिर उन संगठनों के माध्यम से उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी होना शुरू हुई, उन लोगों ने आपस में छोटी बचत करके और आपस में उससे लेन देन करके और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करना शुरू किया। आज लगभग 25,000 सदस्य ऐसे संगठनों में कानपुर की गरीब बस्तियों में और कानपुर देहात के गांव में चल रहे हैं। इसके बाद इन संगठनों ने आपस में मिलकर के अपने बस्ती की समस्याओं को उठाना शुरू किया। स्वच्छता की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, उन विषयों पर भी काम करना शुरू हुआ। इसी के आगे हम लोग आपके 3-4 कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे जो अब तक आपने किए हो। अगर विशेष रूप से कुछ कामों को जिक्र किया जाए तो एक काम स्वयं सहायता समूहों का है जो आज लगभग 25,000 सदस्य उसमें हैं और अलग अलग जगहों पर इनके स्वयं सहायता समूहों ने अपने रजिस्टर्ड फेडरेशंस भी बना लिए हैं और उनके अपने संगठन हैं, उनका अपना बोर्ड है। उन्हीं गरीब महिलाओं के बीच में से चयनित लोग उसको संभालते हैं। ऐसे 6 फेडरेशंस हमारे संस्था के प्रोत्साहन से बने हुए हैं कानपुर और कानपुर देहात में। दूसरा, हम लोगों ने बड़े स्तर पे ऊसर भूमि सुधार का काम किया है। कानपुर देहात में ऊसर ज़मीन बहुत रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार का भूमि सुधार निगम एक विभाग है, उसके साथ मिल करके 1995 से हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं और 17,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि, 50,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें ठीक करी गई हैं, ऊसर ज़मीनों का सुधार हुआ है और उसमें खेती होने लगी है। तीसरी बात, हम लोगों ने बड़े स्तर पे जल और स्वच्छता पर काम किया है कानपुर और कानपुर के गांवों में। चौथी चीज़, हम लोगों ने खेती पर, प्राकृतिक खेती पर काम शुरू किया है पिछले कुछ वर्षों से, जिसमें अभी 1200-1300 किसान प्राकृतिक तरह से खेती कर रहे हैं जिसमें कोई रसायन का इस्तेमाल ना हो, देसी बीजों पर खेती करी जाए और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करने की जगह उनका पोषण हो, मिट्टी स्वस्थ हो, हमारा पानी दूषित ना हो और हमें जो भोजन प्राप्त हो वो भी शुद्ध हो।
आज किसान की आमदनी जो है पारंपरिक खेती जो इस समय चल रही है उसमें किसान की लागत बहुत बढ़ गई है, जिससे कि उसका मार्जिन बहुत घट गया है और वो परेशान है। तो जब वो प्राकृतिक खेती करते हैं तो उनकी लागत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, और जो भोजन पैदा होता है वो भी सुरक्षित होता है, पोषण देने वाला होता है, स्वादिष्ट होता है, सुपाच्य होता है, तो वो उनके अपने परिवार के लिए भी बेहतर है और जिस जिनको वो बेचते हैं, जो उनका उगाया हुआ भोजन खाते हैं, उनके लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग इस प्रयास में अब लगे हुए हैं। सर, आपकी 3-4 परियोजनाएं ऐसी जो आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं, हम लोग अगले कुछ वर्षों में एक तो 5,000 किसानों को प्राकृतिक विधियों से खेती कराने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इनका जो उत्पाद होगा उसको कैसे शहरी कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराया जाए और इस तरह से उपलब्ध कराया जाए जिससे कि किसानों को भी बेहतर दाम मिल सके और जो उपभोक्ता है उसको भी वाजिब मूल्य पर मिल सके। और हमारी कोशिश ये है कि कैसे किसान का और उपभोक्ता का एक रिश्ता कायम हो सके जिसमें वो एक दूसरे को जान सकें। अभी बाजार जो है वो पूरी तरह से ऐसा हो गया है जिसमें कंज्यूमर जो है वो कुछ जानता नहीं है कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो एक रिश्ता कायम हो सके, लोग खेत तक भी जा सकें और जान सकें कि वो जो खा रहे हैं वो कहाँ से पैदा होकर के आ रहा है। किस तरह काम कर रहे थे जी, वो चीज़ आप भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके आप काम किया तो आपको किन किन परेशानियों बाधाएं आपके सामने आई? बाधाएं तो तमाम आती हैं और बाधाएं सबसे ज़्यादा अपनी आंतरिक हैं एक तरह से, कि किसानों को संगठित करना, उनको ये समझ देना कि वो अगर रसायन छोड़ करके खेती करते हैं तो वो सफलता के साथ कर सकते हैं, और जैसे स्वच्छता और पानी के सवाल पर हम लोग काम कर रहे हैं, पेयजल के सवाल पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जो पंचायत के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है, पंचायतों में आजकल जैसा भी माहौल है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे गांव के एक आम व्यक्ति का पंचायत में विश्वास कायम किया जाए, उसकी सहभागिता कायम की जाए, ये सारी चुनौतियां हैं जिन पर हम लोग काम करते हैं। अगला आपसे सवाल हमारा सर आपसे है कि आप किस तरह की नीति परिवर्तन चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर हो? हम लोग ये चाहते हैं कि जितना नियोजन का कार्य है वो बहुत कुछ ऊपर से ही चल करके आ रहा है। अगर एक गांव में पंचायत में नियोजन की बात रखी जाए जिस पर 73वां संशोधन कहता है, तो गांव के लोग बैठ करके तय करें कि उनको कैसा गांव चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए, जो भी आर्थिक संसाधन सरकारों से आते हैं उसका बेहतर उपयोग वो क्या कर सकते हैं ताकि उस पंचायत में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर हो सके, उनकी आजीविका बेहतर हो सके, ऐसा नियोजन, ऐसी योजनाओं पे काम का अगर रूपरेखा बने तो ज़्यादा अच्छा है, वनस्पत की ऊपर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ भी बना करके भेजती हैं और वो नीचे फिर केवल लागू किया जाता है। लास्ट आपसे हमारा सवाल ये है, आपको किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से मदद मिली? आज जिस तरह की शिक्षा है, जिस तरह का समाज में माहौल है, केवल लोग आर्थिक लाभ के लिए दौड़ लगा रहे हैं, आज ज़रूरत है ऐसी शिक्षा की जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए
पूरी लाइफ स्टाइल हमारी हो और हमारी आजीविका हो, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। इस पे आज हमारी शिक्षा संस्थाएं काम करें, हमारे सरकारें काम करें, इसकी ज़रूरत है। और हमारी संस्था इस पे विचार करती है और अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करती है कि हम कुछ कर सकें।